चार पे। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 14807 टू दादर वेस्टर्न, और ये जर्नी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। हफ्ते में ये 3 दिन चलती है, ये हफ्ते में शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को चलती है। बाकी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, और ये सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल शताब्दी गाड़ी है दोस्तों। ये 5 मिनट का होल्ट है, यहाँ पे भी पिलर पूरे काम कर दिया गया है। मुश्किल है जनरल में सफ़र करना दोस्तों। दोस्तों सामने से जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं वो है बांद्रा टर्मिनल की तरफ से जोधपुर जाने वाली सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, के लिए नई जर्नी नई अपडेट के लेके आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। अभी मैं फिलहाल अहमदाबाद के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 14807 टू दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि आज की हमारी जर्नी अहमदाबाद से लेकर भरूच के बीच में रहने वाली है। और आपको मैं भरूच तक ले जाने वाला हूं, और ये जर्नी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। बाजू में एक गाड़ी आ रही है। जर्नी की बात करें तो ये दादर और जोधपुर के बीच में चलती है, और हफ्ते में ये 3 दिन चलती है, ये हफ्ते में शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को चलती है, बाकी के दिन ये ऑफ रहती है दोस्तों। और ये जोधपुर से सुबह 5:05 पर चलकर उसी दिन शाम को 10:40 पर ये दादर पहुंचाती है दोस्तों। ये करीबन 18 घंटे के आसपास इसकी जर्नी रहती है दोस्तों। इस कोच की बात करें तो इस कोच में 8 स्लीपर क्लोज है, 4 थर्ड एसी के कोच है, 2 सेकंड एसी के और 1 फर्स्ट एसी का कोच है। चलिए दोस्तों जर्नी की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अहमदाबाद के, और अभी टाइम है इस गाड़ी का 2:01 का छूटने का टाइम है। करीबन ये गाड़ी 1:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंच चुकी थी, और करीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम पे ये पहुंच चुकी थी। करीबन 40 मिनट गाड़ी बिफोर पहुंची है। देखिए दोस्तों ये कुछ गाड़ी अभी ऐसी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, और ये सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल शताब्दी गाड़ी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये कुछ अभी ऐसा है नज़ारा अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 का। और आप देखना हम लोग भरूच तक जर्नी करने वाले हैं, और भरूच और अहमदाबाद के बीच में सिर्फ एक ही स्टॉप है जो कि वडोदरा है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो, तो चलिए दोस्तों जर्नी की शुरुआत करते हैं। अभी करीबन 1:40 होने को है, अभी भी 10 मिनट और गाड़ी छूटने में बचा है। तो गाड़ी मैंने बोला कि 40 मिनट बिफोर टाइम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची थी, तो अभी कुछ 10 मिनट के बाद यहां से गाड़ी ये छूटेगी दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इस गाड़ी की रूट की बात करें तो ये जोधपुर से लूणी, समदड़ी, पाटन, मेहसाणा, वडोदरा, सूरत होके दादर की तरफ निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों धीरे धीरे हम आउटडोर की साइड बढ़ रहे हैं, और हम लोग अब आपको आगे मैं मिलता हूं दोस्तों। दोस्तों ये आप सामने गाड़ी जो देख पा रहे हैं वो है काकीनाड़ा पोर्ट से भावनगर टर्मिनल के बीच में चलने वाली काकीनाड़ा पोर्ट से भावनगर एक्सप्रेस गाड़ी दोस्तों, जिसका नंबर है 12756। दोस्तों हम लोग अभी नड़िया जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी फास्ट से हमारा स्किप हो रहा है, नड़िया स्टेशन को स्किप कर रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों हम लोग अभी आणंद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारी गाड़ी आणंद नड़िया नहीं रुकती, सीधी बड़ोड़ा रुकती है। अभी हम लोग आणंद स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। और आणंद के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है दोस्तों, अगर वो आणंद से एक लाइन जो गोधरा वाली लाइन है वो भी यहाँ से ही निकलती है दोस्तों। वन हंड्रेड किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग ये वडोदरा शहर, वडोदरा स्टेशन पहुंच चुके हैं। और ये स्टेशन गुजरात का नंबर वन बिजी स्टेशन है और ये इंडिया का नंबर नाइन सबसे बिजी स्टेशन में से एक है दोस्तों। तो इस स्टेशन से टोटल 21 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 21 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। और यहाँ से 384 ट्रेनें हॉल्ट लेती है दोस्तों। और ये काफ़ी बिजी स्टेशन में से एक स्टेशन है दोस्तों। और ये सामने आप गाड़ी देख पा रहे हैं वो है वडोदरा से जामनगर की ओर जाने वाली वडोदरा जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि अभी 3:50 पर यहाँ से रवाना होगी दोस्तों। और ये गाड़ी काफ़ी फुल हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं। ये स्टेशन एक जंक्शन टाइप का स्टेशन है। स्टेशन से एक लाइन अहमदाबाद की ओर, एक लाइन प्रतापनगर यानी कि एकता नगर की ओर और एक लाइन गोधरा की ओर जाती है, इसीलिए इसको जंक्शन का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। और एक लाइन छोटा उदयपुर की तरफ निकलती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा अभी नज़ारा है ट्रेन का। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। चलिए, बाजू में जनरेटर कार्ड की वजह से ज़्यादा स्पीड है, आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको इधर डिपार्चर के टाइम मिलता हूँ दोस्तों। रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और आप सामने जो पिल्लर खड़े देखने को मिल रहा है वो है बुलेट ट्रेन का काम, क्योंकि अहमदाबाद वडोदरा होके मुंबई को ओर जाने वाली है दोस्तों, जिसका काम बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है। आप सब देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे भी पिल्लर पूरे काम कर दिया गया है, देखिए पूरे अच्छे खासे पिल्लर यहाँ। देखिए दोस्तों, इधर भीड़ इतनी है आप यकीन नहीं पाओगे, बहुत सारी आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में। मुश्किल है जनरल में सफ़र करना दोस्तों,
बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, 171 किलोमीटर की जर्नी करके हम लोग ये भरूच जंक्शन स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 4 गाड़ियाँ ओरिजिनेट होती है और 4 गाड़ियाँ टर्मिनेट होती है और यहाँ पे से 138 गाड़ियाँ हॉल्ट लेती है दोस्तों। ये और ये जंक्शन टाइप का स्टेशन है और ये इसका कोड है BH जो कि वडोदरा डिवीज़न में आता है, जो इसको वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छा बड़ा स्टेशन है और ये गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में ये आता है दोस्तों। और ये नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है दोस्तों। एक और बात बता दूं दोस्तों, यहाँ की सिंग यानी कि मूंगफली के दाने जो बनते हैं सामने आप देख रहे हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं दोस्तों। कभी आइए तो ज़रूर ट्राई ज़रूर करिए दोस्तों। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अभी इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो ज़रूर करिए दोस्तों। दोस्तों भरूच को जंक्शन इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि एक लाइन सूरत की ओर, एक लाइन वडोदरा की ओर और एक लाइन और इधर से दहेज कर एक सिटी है जो समुद्र पोर्ट है वहाँ तक ये जाती है। और एक समय में भरूच स्टेशन बहुत ही व्यापार के लिए बहुत ही फेमस हुआ करता था दोस्तों। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक समय ये बहुत ही फेमस सिटी हुआ करता था एक ज़माने में, आज भी है। और ये व्यापारी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। देखिए और चहल पहल भी बहुत है और काफ़ी ऐसा आपको गाड़ियाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि 138 गाड़ियाँ यहाँ पे हॉल्ट लेती है और सामने सूरत से चलकर वडोदरा की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन आ चुकी है दोस्तों सामने की तरफ। देखिए अभी इधर अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट स्टेशन का किया जाना है, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारा काम आने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सामने अगर आप देख पा रहे हो अजमेर से चलकर मैसूर की ओर जाने वाली गाड़ी पहुंच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। दोस्तों भरूच स्टेशन पे आने के बाद, अहमदाबाद से भरूच आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि अहमदाबाद में कम से कम 46 डिग्री के करीब था दोपहर के टाइम और अभी हम लोग 5 बजे के करीब, 5:30 के बजे हम लोग 5 बजे के करीब ये भरूच पहुँचे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर करीबन 43 के करीब, यहाँ का टेम्परेचर 43 के करीब है दोस्तों। और हवा में थोड़ी नमी है, उसका वजह एक ही है क्योंकि यहाँ से समुद्र किनारा बहुत पास में है जिसकी वजह से हवा में आपको नमी का महसूस हो रहा है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों सामने से शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है जो मैंने आपको अहमदाबाद में कैप्चर कराई थी, वो भरूच स्टेशन पहुँच चुकी है। देखिए दोस्तों सामने से जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं वो है बांद्रा टर्मिनल की तरफ से जोधपुर जाने वाली सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भरूच से बाईपास हो रही है, जो कि इसका ऑफिशियल स्टॉप नहीं है इधर पे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पास किया जा रहा है। देखो ये इसको देखिए दोस्तों, सुपरफास्ट कैटेगरी की ये ट्रेन है बांद्रा से जोधपुर की तरफ जाती है दोस्तों और ये वाया मेहसाणा पालनपुर आबू रोड होके जाती है दोस्तों ये, और अपना तय वक्त जोधपुर तक पहुंचती है दोस्तों। WAG-9 के साथ दोस्तों गाड़ियाँ देखते हैं। काठगोदाम मुंबई सेंट्रल, दोस्तों सामने काठगोदाम मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस गाड़ी पहुंच चुकी है। देखिए यहाँ पे उसका ऑफिशियल स्टॉप है।
काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल की तरफ जा रही है गाड़ी। तो दोस्तों आज की ये जर्नी यहीं तक थी। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए और स्टेशन पे स्वच्छता ज़रूर बनाए रखिए। हैशटैग घूमो अपना देश। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।